ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय जयति जयति मम भारत जयति अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे जयते 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 मम भारत जयते 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 मम भारत जयते। गुड मॉर्निंग इंडिया, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे कि कई बार प्यार पाने के लिए हम गलत राह को अपना लेते हैं और हम पाप की ओर चले जाते हैं। एल्फी, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है और इसलिए कि वो प्रेम पा सके और प्रेम बांट भी सके। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ। और अगर हम उसकी संतान है तो एक दूसरे से हमें प्रेम करना चाहिए। पर क्या ऐसा कभी होता भी है आज की दुनिया में? परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की है ताकि इंसान परिवार में रहकर एक दूसरे के साथ प्रेम कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि परिवार आजकल टूटते जा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कि कैसे दरार आ रही है रिलेशनशिप्स में। जी बिल्कुल, और देखा जाता है कि कई परिवारों में फादर्स हैं लेकिन फिर भी बच्चे फादरलेस हैं, मदर्स हैं लेकिन फिर भी बच्चे मदरलेस हैं। परिवार भरा हुआ है लेकिन फिर भी लोग एक अकेलापन महसूस करते हैं। बिल्कुल सही, मैं जब नौजवानों को मिलता हूँ तो कहते हैं हमारे पास कोई सच्चा दोस्त ही नहीं है। हाँ। इतनी भीड़ में भी लोग अकेले अपने आप को फील करते हैं। क्या आप भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं? तो शायद ये एपिसोड आपके लिए है। दोस्तों, जब हमें प्यार सही जगह पर नहीं मिलता तो हम उसे गलत जगह पे पाने की कोशिश करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम असल में प्यार ढूंढ रहे हैं। जब हम प्यार को गलत बातों से लेने की कोशिश करते हैं तो निराशा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। अभिनव पांडे के जीवन में भी प्यार और रिश्ते की कमी थी और उसी को पाने की चाहत ने उन्हें गलत राह की ओर भटका दिया। क्या कभी उन्हें सच्चा प्यार मिल पाएगा? क्या उनकी तलाश कभी खत्म हो पाएगी? आइए देखते हैं कि उनके जीवन में प्यार की तलाश उन्हें किस मंजिल पर ले जाती है। शायद आप भी अपने जीवन में प्यार की तलाश में होंगे और आपको भी शायद ये प्यार मिल जाए। बचपन से ही अभिनव खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। इसका कारण था उनके माता पिता का नौकरी पर जाना। जब भी उनके पेरेंट्स जॉब के लिए जाते थे तो वह उदास हो जाते थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं कुछ लव जो है एक फादर का और एक मदर का जो मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक करता था, तो ये मुझे फील होता था। मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मुझे उनका लव नहीं मिल पा रहा है? मेरी क्या गलती थी? उसकी वजह से जीवन में काफ़ी जो गलत चीज़ें थी और जो गलत आदतें थी, गलत संगति थी, उसने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला। अभिनव ने खालीपन को दूर करने के लिए दोस्त तो बना लिए लेकिन वो गलत आदतों में भी पड़ गए। इंटरनेट पे जाते थे हम लोग, कैफीज में जाते थे और वहाँ पर जो भी इंटरनेट में पर्वर्चित जो समय चीज़ें चालू हुई, जो चैटिंग चालू हुई और उसके बाद जो भी संगति में रह के जो पोर्नोग्राफी आई, तो वो चीज़ों ने लाइफ को एक छोटी सी एज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया था। वी यूज टू इन्जॉय, हमें लगता था जो भी है अच्छा हो रहा है, आगे की हमें कोई टेंशन नहीं थी। उस समय मेरे पास सडन मोमेंट्स के लिए हैप्पीनेस होती थी, जैसे कोई फ्रेंड्स मिल गए, उन्होंने बोला चल यार आज पीते हैं, तो वो एक हैप्पीनेस का मोमेंट था। इसी बीच अभिनव को एक दोस्त मिली जिसने उन्हें परमेश्वर को जानने में मदद की। उसने बोला मैं आपको बुक दूंगी, आप बुक पढ़ना। तो मैंने बुक पढ़ना चालू की, तब मुझे उसमें काफ़ी अलग चीज़ें दिखी जो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं थी। और एक मैन की लाइफ को मैंने देखा कि वो गॉड के लिए किस हद तक प्रोसिक्यूशन को सहन कर सकता है, और मैंने यही सोचा कि ये आदमी इस चीज़ को इसलिए सहन कर रहा है क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अलग महसूस किया है। मैंने सर्च करना चालू किया जीसस के बारे में, मैंने मूवीज़ देखना चालू कर दी, तो मेरे अंदर उस समय एक फेथ स्ट्रांग हुआ कि यार ये जो बाइबल में लिखा है इट इज़ ट्रू। परमेश्वर का विश्वास पाकर अभिनव ने एक नई शुरुआत की।
जो मुझे एक रिकॉग्निशन कहीं नहीं मिलता था, बट क्राइस्ट में आने के बाद गॉड गेव दैट विजडम, गॉड गेव दैट फेवर लाइक जोसेफ डैनियल, मुझे लगा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ. और जो एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ वो मुझे वहाँ से लगना चालू हुआ कि यीशु मसीह जब सारी चीज़ों का हकदार होते हुए भी सब चीज़ें छोड़ के मेरे लिए आ सकता है, तो मैं भी अपना नेचर चेंज करके दूसरों के बारे में सोचना चालू कर सकता हूँ. दैट वे परमेश्वर ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया और जो बुरी चीज़ें थी, बुरी आदतें थी, उनको भी परमेश्वर ने इसी प्रकार से. सो आई वॉज रियली थैंकफुल टू गॉड. मेरे को बहुत खुशी होती है कि परमेश्वर ने मुझे चुना उसके वचन को बांटने के लिए और सुनाने के लिए. और आगे मैं तो यही चाहूँगा कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ, जितने भी लोगों से मिलूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊँ. आज अभिनव ने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पा लिया है. अब वो यहाँ वहाँ नहीं भटकते प्रेम के लिए, क्योंकि उन्हें सच्चा प्रेम अपने जीवन में मिल गया है. वाह, कितना अच्छा है जब सच्चा प्रेम परमेश्वर का हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है. जी. बड़ी खुशी हुई इनकी जिंदगी देखकर कैसे हाँ. प्रभु ने इनके जीवन को बदल दिया. रिबेका, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर ना एक लड़ाई चल रही है. पुराना हमारा जो नेचर है हाँ. और जो नया नेचर है. बाइबल बताती है हमारा जो पुराना नेचर है वो हमें आदम से मिला है, और जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो नया नेचर जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से मिला है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो नया नेचर है ना. परमेश्वर हमारी मदद करता है. पर मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी प्रचारक ने इस तरह उसको दर्शाया है, पुराना नेचर हमारा और नया नेचर कैसे है. पुराना नेचर एक काले डॉगी की तरह है. अच्छा. ठीक है. और नया नेचर एक वाइट डॉग की तरह है. हाँ, डॉगी की तरह. तो होता क्या है कि दोनों में लड़ाई चल रही है. कभी इधर कभी उधर, कोई इसको पकड़ रहा है, कोई इसको पकड़ रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं. बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है दोनों डॉग्स के बीच में, कभी यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ. पर होता क्या है, अगर आप काले डॉगी को ज्यादा खिलाओगे तो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा हाँ. और जीतने लगेगा. पर अगर आप वाइट डॉगी को खिलाओगे तो उसको ज्यादा ताकत मिलेगी हाँ. और वो जीतेगा. ये जो काला डॉगी है वो हमारा पुराना नेचर है. अगर हम दुनियावी चीजें, बुरी बुरी चीजें, जैसे प्रोनोग्राफी है, जैसे हम गलत चीजें और जो हम देखते हैं, गलत चीज़ें जो हम सुनते हैं, और जो हमारी अभिलाषाएं हैं हाँ. जो हमारी डिजायर्स हैं, वो उसको जो अगर हम उसको खिलाएंगे हाँ. दुनियावी चीज़ें तो वो ताकतवर हो जाएगा और हम शिकस्त मिलते रहेंगे हमें हाँ. अपने आत्मिक जीवन में. पर अगर हम उस सफ़ेद डॉगी को परमेश्वर का वचन खिलाएंगे, परमेश्वर के वचन के साथ रहेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो वो ज़्यादा ताकतवर होगा और हमें ताकत मिलेगी इन सब अभिलाषाओं को और इन सब टेम्पटेशंस के ऊपर हमें विजय मिलने की. तो आइडिया है किसको खिलाएं फिर हम, सफेद वाले को या काले वाले को? डेफिनेटली सफेद वाले को. इसलिए हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के प्रेम को पहचानो, पर अपने विश्वास में और मजबूत हो, ताकि आप जो अंदर है आपके, जो अंदर है जो परमेश्वर की आत्मा, वो उससे कहीं ताकतवर है जो बाहर है, जो शैतान है. दोस्तों, आप किसको खिला रहे हो? क्या आत्मिक रूप से आप कमजोर हो रहे हो या आत्मिक रूप से आप जोरावर हो रहे हो, ताकतवर हो रहे हो? ये वचन आपके लिए. पहला योहन्ना 4:4, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है. ये वचन हमें बताता है कि जो तुम्हारे भीतर है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और वो कहीं ताकतवर है उससे जो बाहर है, जो शैतान है. अरे आज तो थर्सडे है ना, तो हाँ. आज तो क्विज है. रिबेका, तो पूछिए अपना प्रश्न. जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये है, हम अपने आत्मिक जीवन को ताकतवर कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन ए, परमेश्वर का वचन पढ़ के और प्रार्थना करके. ऑप्शन बी, रोज एक्सरसाइज करके. ऑप्शन सी, बहुत अच्छा खाना खाकर. दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आप हमारे एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां इसका सही जवाब दिया जाएगा. अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का. आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस और करेंगे आप सबके लिए प्रार्थना. Thank you.
वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा प्रेयर वीक चल रहा है, जहां हम आप सबके लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें लगातार भेजते हैं, हमारे प्रेयर सेंटर में जो प्रेयर सहायक हैं वो लगातार प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों आइए इस समय भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपने आज हमें भेजी हैं। और ये पहली प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उमा से। उमा कह रही हैं, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती हूँ, कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उमा जी, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो खुदा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, और वो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म ज़रूर करेगा। जी हाँ, और एक और प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजी है अमिता ने, और ये कह रही हैं कि मैं अपने बेटे के जीवन में बदलाव आने के लिए आपसे प्रार्थना करवाना चाहती हूँ, कृपया आप प्रार्थना कीजिए। अमिता जी, हम आपके बेटे के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर कर सकता है और बदलाव ला सकता है जीवन में, और कोई नहीं ला सकता। रेबेका, ये बोल भी है जिसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं। जी हाँ, साथ ही हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे प्रेयर सेंटर में भेजी है। जरूर आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम खास तौर से अमिता जी उनके बेटे के लिए दुआ करते हैं कि आप उसके बेटे में वो बदलाव लाइए जो ईश्वरी बदलाव हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु जी जो आप ला सकते हैं। प्रभु जी, उस बच्चे पे आपकी आशीष हो। उमा जी के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि उनके जीवन में भी एक बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, और प्रभु जी जो शांति और खुशी वो चाहती हैं प्रभु जी उनको मिले। शायद प्रभु जी उनके मन में कई डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं प्रभु जी, जो आप जानते हैं उसको आप पूरा करें। और प्रभु जी, ये जो हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजे हैं, बड़े दिल से प्रभु, बड़ी उम्मीद से, बड़े विश्वास से, प्रभु जी आप इनके विश्वास को ऑनर करें, और इनके प्रार्थनाओं का और इनके रिक्वेस्ट का, निवेदन का प्रभु आप उत्तर दें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप ही हमारे चौपान हैं, आप ही हमारे मुंजी हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे भजन लिखने वाला कहता है, मैं अपनी नज़रों को पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, कहाँ से आएगी मेरी मदद? मेरी मदद तो उस परमेश्वर यहोवा से आएगी जिसने धरती और आकाश को बनाया। प्रभु जी मदद कीजिए, दया कीजिए, इन रिक्वेस्ट को आपके सामने लाते हैं, इनको आप पूरा करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ये सारी रिक्वेस्ट हमने परमेश्वर के हाथ में दे दी है, और वो इसको ज़रूर पूरा करेंगे अपनी मर्जी के अनुसार। हम तो यही बोल सकते हैं, आमीन आमीन और आमीन, आमीन। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम पाप में गिर जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के पास आएं, अपने पापों का अंगीकार करें, उनसे माफ़ी मांगें, तो वो विश्वास योग्य हैं और हमें हमारे सब गुनाहों से वो मुक्ति देते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं। उनका पवित्र लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध कर देता है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएँ दी हैं, उनमें से एक आज्ञा है डू नॉट कमिट एडल्ट्री, यानी व्यभिचार न करना। इस पर हम इस पूरे महीने चर्चा कर रहे हैं। लोग इसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं कुछ खास दोस्तों से। आइए देखते हैं कि हमारे ये दोस्त इस आज्ञा के बारे में क्या सोचते हैं, और इस चर्चा में हम भी उनके साथ शामिल होते हैं। देखने जा रहे हैं कि क्यों एडल्ट्री होता है मैरिज में, और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर ये हो गया है तो इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है मैरिज में। अगर हम एक दूसरे का कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो उससे गैप बनता है हमारी लाइफ में। गैप बनने की वजह से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। सो बहुत बार ऐसे होता है कि मैरिज में जब हम एक बिगर पिक्चर पे काम करने लग जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दो पति पत्नी को दूर ले जाती है, और उसमें एक तीसरा इंसान आ जाता है। एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, क्या पर्सनली कभी आप ऐसे कतार पे आए हो जहाँ पे ऑलमोस्ट लगा कि मैरिज फेल हो रहा है, और आपने परमेश्वर का सहारा लिया, या काउंसलिंग के लिए आए और आपका जीवन फिक्स हुआ हो? इनिशियली जब हमारी शादी हुई थी तो दोनों को एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आती थी, तो उस टाइम क्या होता था कि मैं
इनसे मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता था तो मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी इनसे। तो काफ़ी लड़ाई होने के बाद हमने पास्टर अनु के पास हम लोग काउंसलिंग के लिए गए थे। तो पास्टर अनु ने मुझे एक सेपरेटली एक ही चीज़ समझाई थी कि आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम है, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो आप वैल्यू नहीं करोगे तो इसको वैल्यू करने वाले बहुत सारे हैं। पास्टर ने बोला था कि जब भी आप एक दूसरे से फाइट करो तो सोचो बीच में जीसस खड़े हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंस था कि जब मैंने सोचा था कि मैं कपल को छोड़ दूंगी, अगर ये वचन मेरे लाइफ में नहीं आता, पास्टर काउंसलिंग नहीं आती, तो मैं भी हम अलग होते। कि हाउ हम डिवोर्स को रोक सकते हैं, कैसे क्या करें हम डिवोर्स को रोकने के लिए? मुझे ये लगता है सबसे पहले कि एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है एंड रख के एक दूसरे पे प्यार और एक दूसरे के साथ विश्वास में जुड़े रह के हम इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि शादी ही या हमारे जीवन का कोई भी स्तर हो, कोई भी लेवल हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो जब हम इस बात को ठान लेते हैं कि उसको हम प्यार से और विश्वास से उसको बनाए रखें, क्योंकि कभी हो सकता है कि ऑफिस में हस्बैंड का दिन अच्छा नहीं गया हो या वाइफ की तबीयत ठीक नहीं हो, तो हमारा वो मोहब्बत, वो प्यार कहाँ तक रहा कि हम एक दूसरे को समझ सके अपने लोज में भी और अपने हाई में भी। तो जब हम इस चीज़ को पकड़े रहेंगे तो हम अपने रिश्तों में बढ़ सकते हैं आगे। और यही चीज़ हम अपने सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में ही नहीं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे बच्चे जो हमें देखते हैं रोज़ बरोज़, वो उनको भी ये चीज़ की सीख दे सकते हैं। तो मुझे लगता है पास्टर, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस टाइम, कि लव जो कि बाइबल का एक बेस है जिसके लिए जीसस ने भी बात करी है, दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन टेक एज अ बेस इन अ मैरिज। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सेटिस्फाइड रहें जो हमारे पास है, चाहे वो घर, गाड़ी या पति। तो क्या ये मायने रखता है कि हम जो हमारे पास है उससे सेटिस्फाइड रहें? सेटिस्फेक्शन वैसे इंसान को किसी चीज़ से भी नहीं है। कई बार लगता है उसका पति बहुत ही अच्छे से उसकी केयर कर रहा है, मेरा इस तरह से नहीं कर रहा है, बट जो क्वालिटी मेरे हस्बैंड में है वो उसमें नहीं है। मैं अपनी पिछले सालों की ज़िंदगी देखूं तो मैं देखती हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जीवन में एंड हर साल हम लोग बेहतर हो रहे हैं। तो जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं तो जो है जैसे हैं, हम हमेशा उस चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाइड रख सकते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं जैसे कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, तो वो हमेशा रहेगा शायद। बट व्हाई डोंट यू वाटर द ग्रास दैट इज इन योर साइड? यस, एग्जैक्टली। आई थिंक प्रेयर इज सच अ मेजर थिंग इन अ मैरिज और इवन एनी रिलेशनशिप, कि हम हर चीज़ को परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर सत्य है और जब हम इस सत्य का सामना करते हैं, इसे जानते हैं अपने जीवन में, तो हमें हमारे सभी गुनाहों से, पापों से छुटकारा मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है। रेबेका, आज थर्सडे है ना? और आज कैथीड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन का क्वायर की प्रेजेंटेशन है। जी हाँ। अरे, आई वांट टू हियर दैट सॉन्ग, मैं वेट कर रहा हूँ। आज हम उनके द्वारा लास्ट गीत सुनेंगे, लेकिन दोस्तों, इस गीत को सुनने से पहले हम मुलाकात करेंगे रिडेम्पशन चर्च क्वायर के डायरेक्टर के साथ। एक गाना अभी आप सुनेंगे, इट इज़ वेल विद माई सोल। ये पुराना एक ट्रेडिशनल हिम है एंड बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे चर्च क्वायर मेंबर्स जो हैं वो बहुत दूर से आते हैं। इतना दूर से आते हैं कि हमारे चर्च सेक्रेटरी मिस्टर अशोक फेन, आज मॉर्निंग ही वॉज इन चाइना, वहाँ से आज इवनिंग ही इज़ जॉइंड अस एंड इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स, वी आर सो हैप्पी। एंड हमारे चर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं, कि वर्किंग कंडीशन में पाइप ऑर्गन हमारे चर्च में है और उस ऑर्गन को इस गाने में आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिकॉज पाइप ऑर्गन जो है बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है बजाने के लिए। हमारे चर्च के ऑर्गनिस्ट जो है वो मिसेस लिडिया थॉमस, वो इस ऑर्गन को करीब 20 साल से बजा रही हैं। आइए सुनते हैं और देखते हैं द हिम, इट इज़ वेल विथ माई सोल। Oh,
रिडेम्पशन चर्च की कॉयर को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग उम्र के लोग इसका हिस्सा हैं और छोटे छोटे बच्चे भी गाना गा रहे हैं। उस छोटी सी बच्ची को आपने देखा? मैं तो बड़ा हैरान हो गया, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं ही नहीं गा सकता, बाकी छोटे छोटे बच्चे इतना खूबसूरत गीत गा रहे, देखो। इसलिए आप भी गाना गाना शुरू कर दीजिए। ओह दोस्तों, आइए अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन अपने चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे ही कई बच्चे हैं जिन्हें तीन वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है। भारत के कई बच्चों को सीबीएन फाउंडेशन अपने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न केवल शिक्षित करने में विश्वास रखता है बल्कि उन्हें पौष्टिक भोजन भी प्रदान करता है। क्या आप रेहान जैसे बच्चों के सपनों को साकार करने में हमारी मदद करेंगे? आज ही हमें फोन करें। वेलकम बैक दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन का यही प्रयास है कि अपने पार्टनर्स की मदद से बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का एक मौका दे, उन्हें पौष्टिक आहार दे और उन्हें वो सब सुविधाएं दे जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्मल की कहानी। निर्मल को पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी कक्षा में जाता गया उसे बहुत सारी मुश्किलें आने लगी, उसे पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कतें आने लगी, कई डाउट्स आए, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। ऐसे में निर्मल बहुत निराश हो गया, लेकिन तभी निर्मल को मदद मिली। आइए दोस्तों देखते हैं कि उसे क्या मदद मिली और इससे उसके जीवन में क्या बदलाव आया। घर की परिस्थितियों की वजह से निर्मल को छोटी उम्र में ही बड़ी बातें समझनी पड़ी। उसे पता है कि बेहतर जिंदगी के लिए उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है और वो ये करता भी है। हमारे माता पिता बड़ी कठिनाई से कमाते हैं, हमें पालते हैं, तो आने वाले समय तो इससे भी कठिन होगा, इसलिए हम पढ़ लिख कर कुछ मतलब बड़े बनना चाहते हैं ताकि हम भी सुखी रहें हमारे माता पिता भी। वो पढ़ाई में पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहा था, पर जैसे ही वो मिडिल स्कूल में आया उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो मुझे मैथ और इंग्लिश में प्रॉब्लम आती थी, तो जब मैं स्कूल से पढ़ के आता था घर पर कोई मैथ और इंग्लिश का होमवर्क करा नहीं जैसा था, नहीं घर पे कोई पढ़ा नहीं सकता था और मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लगता था। इस परेशानी के दौरान निर्मल को सीबीएन फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे बाल विकास केंद्र के बारे में पता चला। यहाँ द्वारा मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक ट्यूशन है। जब मैं यहाँ पर आया मैंने सर को अपनी प्रॉब्लम बताई तो सर ने मेरे साथ बहुत मेहनत की। हम ट्यूशन आते थे तो हमारे को सर आधा घंटा देते थे कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। हमारी इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होती थी हम सर से डिस्कस करते थे, जैसे हमारी कोई पैराग्राफ हुआ, सेंटेंस हुआ, उसका अर्थ या पढ़ना हमें नहीं आता था तो हम सर से पूछते थे। और सर ग्रामर सेक्शन जैसे टेंस हुए, प्रपोजिशन हुए, नाउन हुए, प्रोनाउन हुए, ये सब पढ़ाते थे सर। निर्मल को अपनी पढ़ाई में बेहतर होने के अलावा अपने सपनों को पूरा करने के साथ और उत्साह भी मिला। आज वो मन लगाकर पढ़ रहा है एक बेहतर भविष्य के लिए। धीरे धीरे हम आगे होते गए और 8th में मेरे मैथ और इंग्लिश में A+ और मैथ में A आया। आज निर्मल एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करता है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह अपने जीवन में सफल होगा। वाह, कितना अच्छा लगा मुझे। रेबेका, आपने मुस्कुराहट देखी निर्मल के चेहरे पे, यूं करके जो मुस्कुरा रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आ गया उसकी लाइफ में और कैसे उसको मदद की ज़रूरत थी और हमारे सीबीएन फाउंडेशन के पार्टनर्स ने उसकी हेल्प करी और उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आई। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, अगर आप भी और ऐसे बच्चों की
चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सहभागिता में जरूर जुड़ें। 5,000 रुपये या कोई भी मासिक अनुदान के साथ आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। आप अपना अनुदान हमें ऑनलाइन ट्रांसफर या पेटीएम के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbn.in को जरूर विजिट करें। अगर आप अपना अनुदान हमें चेक, डीडी या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के द्वारा भेजना चाहते हैं, आप नोट कर सकते हैं हमारे पते की जानकारी। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, 122009। तो दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। आप हमारे चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन कैंपेन का हिस्सा जरूर बने। और हमारे जाने का समय तो हो ही गया है, पर याद रखें दर्शकों, आप किसको ताकतवर बना रहे हैं, पुराने नेचर को या नए नेचर को? और प्रार्थना रोज करते रहिए आप। जी हाँ दोस्तों, और कल है फ्राइडे और कल हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब, तो आप हमारा कल का एपिसोड जरूर देखिएगा। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।